मथुरा के यमुना किनारे केसी घाट पर सैकड़ों विधवा महिलाओं ने धूमधाम से दिवाली मनाई। इस अवसर पर इन माताओं ने दीपदान किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इनमें से कुछ महिलाएं जो काफी सालों से अपने घर से दूर हैं और उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, उन्होंने दीप जलाकर अपने जीवन में छाए अंधकार को दूर किया है। बुधवार को सुलभ इंटरनेशनल संस्था ने सैकड़ों विधवा महिलाओं के साथ दिवाली मनाई। सुलभ इंटरनेशनल संस्था हर साल इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करती रही है। मेरा नाम विनीता वर्मा है और मैं सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हूँ। विधवा माताओं के प्रति जो मार्गदर्शन हमारे करने वाले हैं वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हम ये हर एक त्यौहार दिवाली, दशहरा, होली इनके साथ मनाते हैं। और ये त्यौहार मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इन माताओं को जिस परिवार ने, जिस समाज ने अपने आप से दूर रखा था, इनको कोई खुशियों में शामिल नहीं होने देना चाहते थे कि ये सब रोएं और सिर्फ आंसू में अपनी ज़िंदगी बिताएं, उसी मुख्य धारा से जोड़ने की बात डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने कहा था। और वो चाहते हैं कि ये माताएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और इसीलिए पिछले 8 सालों से हम दिवाली, दशहरा, होली इनके साथ मनाते हैं। इनको वो खुशी देते हैं जो शायद वो खुशी इनका परिवार या इनका समाज देने का जिसको कर्तव्य था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभिन्न आश्रय घरों में रहने वाली कुछ दर्जन विधवाओं ने यमुना किनारे रंगीन दियों के साथ जुलूस निकाला और दिवाली मनाई। सुलभ इंटरनेशनल संस्था हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रही है जिसमें हजारों महिलाएं शामिल होती रही हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते संख्या में कुछ कमी आई है। संख्या में कमी के बाद भी उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। सैकड़ों महिलाओं के चेहरों पर खुशी देख संस्था से जुड़े लोगों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी दिवाली मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि इन महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और खुलकर जीने का मौका दिया जाए। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए संस्था की सदस्य ने बताया, 2020 में जैसा कि आप जानते हैं मार्च से कोरोना की महामारी शुरू हो गई थी और हम सबको पता है कि कोरोना से कोई नहीं बच पा रहा है। उसको ध्यान रखते हुए इस बार हमने दिवाली के दिन उन्हीं माताओं को घाट तक लाए हैं जो स्वस्थ हैं, और उसको ध्यान रखते हुए सबके बीच में आप देख सकते हैं कि 2 फीट की दूरी पे माताओं को हम बैठाए हुए हैं और इन्होंने बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। ये यमुना नदी के किनारे हम इसलिए हर साल आते हैं क्योंकि ये यहीं पे मनाना चाहती हैं दिवाली, और ये दिवाली हम इसलिए मनाते हैं कि पूरी समाज देखे, पूरी समाज के लोग आगे बढ़ें। और जिस तरह से डॉक्टर पाठक ने इनका हाथ पकड़ के इनके होठों पे, इनके मुंह पे मुस्कुराहट लाएं, वो हम सबका कर्तव्य है। हम सब मिलकर के इनको उस समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। यह लगातार 8वां वर्ष है जब विधवाओं ने प्रतीकात्मक रूप से रोशनी के उत्सव में भाग लिया है। पहले हिंदू परंपरा के अनुसार इन विधवाओं को इस तरह के किसी भी अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। हजारों की संख्या में विधवाएं ज्यादातर पश्चिम बंगाल में वृंदावन में दशकों से रहती हैं और उन्हें अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, जब तक कि सामाजिक संगठन सुलभ इंटरनेशनल ने इनकी मदद नहीं की। खुशी की एक किरण लाने और विधवापन की परंपरा का मुकाबला करने के उद्देश्य से सुलभ आंदोलन के संस्थापक प्रसिद्ध समाज सुधारक डॉक्टर विदेश्वर पाठक विशेष रूप से विधवाओं के लिए रोशनी के त्योहार को आयोजित करने के लिए इस अनूठे विचार के साथ आए। उनका संगठन 2012 से वृंदावन और वाराणसी में विभिन्न आश्रमों में रहने वाली सैकड़ों विधवाओं की देखभाल करता है। सुलभ होप फाउंडेशन की उपाध्यक्ष विनीता वर्मा कहती हैं, नियमित आधार पर सुलभ उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा चिकित्सा सुविधा और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है ताकि वे अपने जीवन के धुंधले पड़ाव से बाहर ना निकलें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में सुलभ विभिन्न आश्रमों में रहने वाली विधवाओं की देखभाल करता है।
75 वर्षीय चाबी दास जी कहती हैं, क्रांतिकारी पहल की विधवाओं से प्रेरित होकर जब वृंदावन में खुश रहना और आनंद लेना है।